हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद तिवारी जी पर। जैसा कि आप सभी को दिखाई पड़ रहा है, 27 अगस्त 2021 का करंट अफेयर आप सभी के सामने है, जिसमें आज आप सभी को स्टैटिक जीके के विषय में बताया जाएगा। साथ ही साथ आप सभी को इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर आसानी से प्राप्त हो सकेगी। तो आज के हम सेशन की शुरुआत करेंगे, इससे पहले आप सभी को बताना चाहेंगे ये सेशन आप सभी के लिए प्रत्येक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल स्टडी विद तिवारी जी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आज के हम सेशन की तरफ मूव करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, ये 27 अगस्त 2021 का करंट अफेयर है। 3 लिंक आप सभी को दी गई हैं। PDF मिलने के बाद आप सभी हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप सभी को टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, वहां से भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन की हम शुरुआत करेंगे। ये पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जो कि पहले सेशन में पूछा गया था, आप सभी के लिए दिया गया था कि इसका आंसर क्या होगा। पूछा गया था, बताइए कर्नाटक सरकार द्वारा श्री बसवा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने थे। पहला ऑप्शन था बी सुनील कुमार, दूसरा ऑप्शन था श्री बसवलीगा पट्टा देवरू, और तीसरा ऑप्शन था उपर्युक्त दोनों, चौथा ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आप सभी का हो जाएगा श्री बसवलीगा पट्टा देवरू, इसका सही आंसर हो जाएगा, जिन्हें कर्नाटक सरकार द्वारा श्री बसवा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। आइए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। जैसे कि आप सभी को यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा, निम्नलिखित में से किसे दोबारा से ICICI बैंक का MD मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चुना गया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला ऑप्शन है विवेक कुमार जोशी, दूसरा ऑप्शन है संदीप बख्शी, तीसरा ऑप्शन है संदीप कटारिया, चौथा ऑप्शन है अभय कुमार सिंह। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, किसे ICICI बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, तो संदीप बख्शी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इनसे जुड़े हुए कुछ पॉइंट है, आप सभी को इसे याद कर लेना, आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इनका कार्यकाल कितने वर्ष रहने वाला है, तो इनका कार्यकाल 3 वर्ष रहने वाला है। ICICI बैंक का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ICICI बैंक का फुल फॉर्म होता है। तो इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है, इसे आप सभी को याद कर लेना है। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। मुख्यालय कहाँ पर स्थित है इसका, तो मुंबई में इसका मुख्यालय स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो वर्ष 1955 हुई थी। अगर इसकी टैगलाइन पूछी जाती है आप सभी से, तो इसकी टैगलाइन क्या हो जाएगी, तो हमें है ना ख्याल आपका, ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। तो इससे जुड़े हुए पॉइंट आप सभी को याद हो गए होंगे, और इस क्वेश्चन के विषय में जो जानकारी आप सभी को प्रोवाइड की गई है आप सभी को प्राप्त हो गई होगी। तो इस क्वेश्चन को किसे दोबारा से ICICI बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया है, आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो संदीप बख्शी हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया है, बताइए निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊँचा आर्बिट्रेशन व्हील का अनावरण किया गया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, चौथा ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील का अनावरण किया गया है। तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, तो UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात में इसका अनावरण किया गया है। अब आइए इसके विषय में कुछ जानकारी ले लेते हैं जो आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस ऑब्जर्वेशन व्हील का को एन दुबई के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 250 मीटर है, और फीट में बात करें तो 820 फीट है। यह ब्लू वाटर द्वीप पर स्थित है। तो आप सभी को जो भी यहाँ पर पॉइंट दिए जा रहे हैं इससे जुड़े हुए आप सभी को याद कर लेने हैं, आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ साथ ये काम क्या करेगा, तो यह UAE के क्षितिज का 360 डिग्री व्यू देखने में मदद करेगा। तो आप सभी को इससे जुड़े हुए पॉइंट याद हो गए होंगे। पहला, इस ऑब्जर्वेशन व्हील को एन दुबई के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, तो एन दुबई के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई पर आप सभी को ध्यान कर लेना है, आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 250 मीटर है, अगर फीट में पूछेगा तो 820 फीट है। और किस द्वीप पर स्थित है, तो यह ब्लू वाटर द्वीप पर स्थित है। अब इसका काम क्या है, या
किस उद्देश्य से इसे बनाया गया है, तो यह यूएई के क्षितिज का 360 डिग्री व्यू देखने में मदद करेगा। तो कहाँ पर स्थित है ये, तो कहाँ पर निर्माण किया गया है, तो संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। आप सभी को याद कर लेना है। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जिसमें पूछा गया है बताइए निम्नलिखित में से किसके द्वारा मंथन 2021 लॉन्च किया गया है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला ऑप्शन है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दूसरा ऑप्शन है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा संस्थान, तीसरा ऑप्शन है उपर्युक्त दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, किसके द्वारा मंथन 2021 लॉन्च किया गया है, तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, तो उपर्युक्त दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा, तो BPRD और AICTE, जिसका फुल फॉर्म क्या है, तो BPRD का फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और वहीं AICTE का फुल फॉर्म क्या है, तो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा संस्थान हो जाएगा। तो इन दोनों के द्वारा मंथन 2021 लॉन्च किया गया है। मंथन 2021 है क्या, तो यह 36 घंटे का ऑनलाइन हैकाथन है, इसे 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। इसमें विजेता टीम को 40 लाख रुपए पुरस्कार दिया जाएगा। तो आप सभी के लिए जो भी पॉइंट यहाँ पर मंथन 2021 से दिए गए हैं, इसे याद कर लेना है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब इन दोनों के द्वारा मंथन 2021 लॉन्च किया गया है, ये 36 घंटे का ऑनलाइन हैकाथन था। अब ये आयोजित कब किया जाएगा, तो 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा, और इसमें जो विजेता टीम होगी उसे 40 लाख रुपये पुरस्कार दिया जाएगा। आप सभी को याद कर लेना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछा गया है निम्नलिखित में से किसके द्वारा 12% क्लब नाम से पीयर टू पीयर P2P, इसे फुल फॉर्म पीयर टू पीयर है, लेंडिंग ऐप लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा। चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला ऑप्शन है फ़ोनपे, दूसरा ऑप्शन है पेटीएम, तीसरा ऑप्शन है गूगल पे, चौथा ऑप्शन है भारत पे। आपको बताना है किसके द्वारा पीयर टू पीयर 12% क्लब नाम से ऐप लॉन्च किया गया है, लेंडिंग ऐप है ये। तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत पे। अब इससे जुड़े हुए कुछ मुख्य पॉइंट हैं जो आप सभी को याद कर ले हैं। अब इसका उद्देश्य क्या है, तो यह यूजर्स को निवेश करने या 12% वार्षिक ब्याज या समान दर पर ऋण लेने की सुविधा प्रदान करेगा, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, भारत पे ने इस ऐप और ऋण व्यवस्था है तो लंदन क्लब के साथ साझेदारी की है, तो इस ऐप के और ऋण व्यवस्था है तो भारत पे ने किसके साथ साझेदारी की है, तो लंदन क्लब इसके साथ साझेदारी की है। इसके अलावा कस्टमर 3 महीने की अवधि के लिए इस ऐप पर 10 लाख रुपए तक के जमानत मुक्त ऋण का लाभ उठा सकते हैं। तो आप सभी को ये 3 पॉइंट दिए होंगे जो कि इससे जुड़े हुए क्वेश्चन से जुड़े हुए पॉइंट हैं, आप सभी को याद हो गए होंगे। तो सबसे पहली बात, यहाँ पर ये इस ऐप को इस यूजर्स को निवेश करने या 12% वार्षिक ब्याज या समान दर पर ऋण लेने की सुविधा प्रदान करेगा। साथ ही साथ भारत पे ने इस ऐप और ऋण व्यवस्था है तो लंदन क्लब के साथ साझेदारी की है। और तीसरा पॉइंट है, इसके अलावा कस्टमर 3 महीने की अवधि के लिए इस ऐप पर 10 लाख रुपए तक की जमानत मुक्त ऋण का लाभ उठा सकते हैं। और किसके द्वारा ये ऐप लॉन्च किया गया है, तो भारत पे द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया है। आगे हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन आप सभी के सामने है, पूछा गया है बताइए निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने हाल ही में सुजलम नामक 100 दिन का अभियान शुरू किया है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला ऑप्शन है जल शक्ति मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन है कृषि मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन है रसायन और उर्वरक मंत्रालय, और चौथा ऑप्शन है गृह मंत्रालय। आप सभी को बताना है किस मंत्रालय द्वारा सुजलम नामक 100 दिन का अभियान शुरू किया गया है, तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, तो जल शक्ति मंत्रालय इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन पर नजर डालते हैं। तो पहला पॉइंट है, यह अभियान 25 अगस्त 2021 को शुरू हुआ है। अब इसके 3 फोकस क्षेत्र हैं। पहला है 1 लाख सोक पिट का निर्माण करना, दूसरा पॉइंट है शौचालय की रेट्रोफिटिंग करना, और तीसरा पॉइंट है नए घरों तक शौचालय की पहुंच। ये 3 मुख्य उद्देश्य हैं इस अभियान के, जो कि फोकस क्षेत्र में आते हैं। पहला 1 लाख सोक पिट का निर्माण है, दूसरा है शौचालयों की रेट्रोफिटिंग, और तीसरा है नए घरों तक शौचालयों की पहुंच। तो इससे जुड़े हुए पॉइंट आप सभी को याद हो गएंगे। ये कब शुरुआत किया गया है, तो 25 अगस्त 2021 को इसकी शुरुआत की गई है जल शक्ति मंत्रालय द्वारा, जिसका नाम सुजलम अभियान है। ये 100 दिन का अभियान है, आप सभी को याद हो गया होगा। अब आइए मूव करते हैं 6ठे क्वेश्चन की ओर। पूछा गया है बताइए हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा शुरुआती चरण में स्टार्टअप की मदद के लिए समृद्धि योजना की शुरुआत की गई है। जो भी योजना आप सभी के सामने है, ये आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा, ये अभियान है, ये योजना है, तो इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आपके परीक्षा में मुख्य रूप से पूछे जाते हैं, आप सभी को इसे याद कर लेना है। तो
शुरुआती चरण में स्टार्टअप की मदद के लिए समृद्धि योजना की शुरुआत की गई है किस मंत्रालय द्वारा? पहला ऑप्शन है महिला और बाल विकास मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन है गृह मंत्रालय और चौथा ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय। तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? तो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। इसके मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव इसके मंत्री हैं। अब इनके द्वारा समृद्धि योजना की शुरुआत की गई है। अब समृद्धि योजना है क्या? तो समृद्धि योजना या भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पाद स्टार्टअप के लिए अपने उत्पादों तथा अपने व्यवसायों को बढ़ाने हैं तो सुरक्षित निवेश का अनुकूल मंच तैयार करेगा। तो स्टार्टअप में मदद करने वाला ये योजना है, जो कि कोई स्टार्टअप करता है या कोई अपना व्यवसाय शुरू करता है तो उसके लिए एक सुरक्षित निवेश का अनुकूल मंच तैयार करेगा ये भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पाद है। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट सातवां नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए हाल ही में बैंक सुधार एजेंडा इज 4.0 के चौथे संस्करण में किस बैंक ने शीर्ष सम्मान जीता है? सबसे पहले इज का फुल फॉर्म क्या है? तो इनहेंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस इसका फुल फॉर्म है। किसके द्वारा इसे शुरू किया गया है? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा इसका अनावरण किया गया है। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है ग्राहक केंद्रित डिजिटल परिवर्तन के एजेंडे का संवर्धन करना और PSP के काम करने का तरीके में डिजिटल और डेटा पहुंच को समृद्ध बनाना है। तो इसका उद्देश्य आप सभी को पता चल गया होगा। अब आइए देख लेते हैं किस बैंक को इसे शीर्ष सम्मान से सम्मानित किया गया है। पहला ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा ऑप्शन है बैंक ऑफ बड़ौदा, तीसरा ऑप्शन है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आप सभी का हो जाएगा इनमें से सभी। तो इन तीनों बैंकों को शीर्ष सम्मान से सम्मानित किया गया है किसमें? तो बैंक सुधार एजेंडा इज 0.4 के चौथे संस्करण में। अब इन बैंकों को आप सभी को याद कर लेना है, पहला SBI, दूसरा बैंक ऑफ बड़ौदा, तीसरा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इन तीन बैंकों को शीर्ष सम्मान से सम्मानित किया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आठवां नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है। पूछा गया है बताएं निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने हाल ही में समर्थ योजना लागू की है? चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला ऑप्शन है इस्पात मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन है कपड़ा मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन है कानून और न्याय मंत्रालय, चौथा ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय। अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किस मंत्रालय द्वारा समर्थ योजना लागू की गई है? तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? कपड़ा मंत्रालय। अब समर्थ योजना किससे संबंधित है? तो ये कपड़े क्षेत्र में क्षमता निर्माण से संबंधित है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कौशल की कमी को पूरा करना, कपड़े क्षेत्र में क्षमता निर्माण करना है। इस योजना के तहत 65 नए हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। तो इन दो पॉइंट को आप सभी को याद कर लेना है। और ये समर्थ योजना किससे संबंधित है? तो आप सभी को पता चल गया होगा ये कपड़ा निर्माण क्षेत्र से संबंधित है, जिसे कपड़ा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नौ नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है। पूछा गया है बताइए निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में भारत की पहली हरित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई शुरू की गई है? आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप सभी को याद कर लेना है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने है। पूछा गया है हरियाणा, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, इनमें से कौन सा ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा? किस राज्य में भारत की पहली हरित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? तो कर्नाटक में इसे शुरू किया गया है। अब इसे किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो इसकी शुरुआत अमेरिका स्थित ओहिमियम इंटरनेशनल लिमिटेड ने किया है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है यह इकाई भारत में निर्मित प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का निर्माण करेगी, यह पॉइंट आप सभी को याद हो गया होगा। अब इसके द्वारा प्रतिवर्ष 5 GW क्षमता है, इसकी क्षमता कितनी है? तो 5 GW क्षमता है। अब आप सभी को दो पॉइंट और बताने हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहले दो हाइड्रोजन है, ग्रीन हाइड्रोजन, एक है नीला हाइड्रोजन। अब ग्रीन हाइड्रोजन को गैर जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त किया जाता है, जबकि नीला हाइड्रोजन को जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त किया जाता है। तो आपके पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन दो हाइड्रोजन को प्राप्ति किस प्रकार से होती है। तो ग्रीन हाइड्रोजन की प्राप्ति गैर जीवाश्म स्रोतों से होती है, जबकि नीले हाइड्रोजन की प्राप्ति जीवाश्म स्रोतों से होती है। और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता चल गया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दसवां नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है। पूछा गया है बताएं निम्नलिखित में से किस देश को विशेष आहरण अधिकार के तहत IMF द्वारा $2.75 बिलियन की प्राप्ति हुई है? चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला ऑप्शन है भारत,
दूसरा ऑप्शन है पाकिस्तान, तीसरा ऑप्शन है श्रीलंका, चौथा ऑप्शन है बांग्लादेश। आप सभी को बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, किस देश को विशेष आहरण अधिकार SDR के तहत, फुल फॉर्म क्या है इसका, विशेष आहरण अधिकार SDR का फुल फॉर्म है, और किसके द्वारा, तो IMF द्वारा 2.75 बिलियन डॉलर की प्राप्ति हुई है। तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो पाकिस्तान को 2.75 बिलियन डॉलर की प्राप्ति हुई है। अब किस लिए दिया गया है, तो कोविड में जो देश, जिन देशों की निम्न आय है, अब उनकी सहायता के लिए 2.75 बिलियन डॉलर की प्राप्ति हुई है यहाँ पर पाकिस्तान को। अब IMF से जुड़े हुए कुछ पॉइंट आप सभी के सामने हैं। IMF का फुल फॉर्म क्या है, तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है। पहला पॉइंट है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो वर्ष 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, तो क्रिस्टलिना जॉर्जी एवा इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। मुख्यालय कहाँ है इसका, तो वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय स्थित है। इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो 190 इसके सदस्य देशों की संख्या है। 190वां सदस्य देश कौन सा है, तो अंडोरा इसका 90वां सदस्य देश है। आप सभी को याद कर लेना है, आपके पेपर में पूछा जाता है। इसका मुख्यालय कहां पर है, तो वाशिंगटन DC में है। मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, क्रिस्टलिना जॉर्जेवा इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर है। स्थापना वर्ष 1945 में हुई थी, और इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है। आप सभी को याद हो गया होगा इससे जुड़ा हुआ पॉइंट। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, बताइए इंटरनेशनल डॉग डे 2021 कब मनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय डॉग डे 2021 कब मनाया गया है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, 26 अगस्त, 25 अगस्त, 24 अगस्त और 23 अगस्त। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर आप सभी का हो जाएगा 26 अगस्त। अब 26 अगस्त को इंटरनेशनल डॉग डे मनाया गया है। इस दिन की शुरुआत कब हुई थी, तो वर्ष 2004 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी इसकी शुरुआत, तो अमेरिका में। इनका नाम क्या है, तो ट्रेनर कोलिन है। इनका नाम क्या है, कोलिन पेज है, जो कि डॉग ट्रेनर थे। अब इनके द्वारा इस दिन की शुरुआत की गई, तो इस दिन की शुरुआत इसलिए की गई कि इन्होंने एक कुत्ता था जिसे इन्होंने पाला था, उसका नाम क्या था, सेल्टी नाम था उसका। क्या नाम था उसका, सेल्टी नाम था उसका। तो सेल्टी नाम के कुत्ते को 26 अगस्त को गोद लिया था। अब इसी के कारण 26 अगस्त को इंटरनेशनल डॉग डे मनाया जाता है। तो आप सभी को याद कर लेना है, वर्ष 2004 में इसकी शुरुआत हुई थी, और किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, तो इनका नाम है कोलिन पेज इनका नाम है। और क्यों इस देश की शुरुआत हुई थी, तो आप सभी को हमने बता दिया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में ओ चंद्रशेखर का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित व्यक्तित्व थे। पहला ऑप्शन है फुटबॉल, दूसरा ऑप्शन है हॉकी, तीसरा ऑप्शन है क्रिकेट, चौथा ऑप्शन है धावक। आप सभी को बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, किस खेल से ओ चंद्रशेखर संबंधित थे, तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, तो फुटबॉल से संबंधित व्यक्ति थे। अब किस राज्य के निवासी थे, तो केरल राज्य के निवासी थे। इन्हें ओलंपियन चंद्रशेखर के नाम से जाना जाता था। डिफेंडर के रूप में खेलने वाले ये चंद्रशेखर 1960 में रोम के ओलंपिक में भारतीय टीम के सदस्य थे, जब भारत ने पिछली बार खेलों में फुटबॉल में भाग लिया था। तो भारत ने जब पिछली बार वर्ष 1960 में रोम के ओलंपिक खेल में फुटबॉल में भाग लिया था, तो ये भारतीय टीम का हिस्सा थे डिफेंडर के रूप में। आप सभी को याद हो गया होगा, कहाँ के निवासी थे, तो केरल, कहाँ के, तो केरल के निवासी थे, और इन्हें ओलंपियन चंद्रशेखर के नाम से जाना जाता था। ये फुटबॉल से संबंधित व्यक्ति थे, आप सभी को याद हो गया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है, पूछा गया है बताइए हाल ही में हरीश पार्थवर्थ नैनी को किस देश का, भारत का नया राजदूत चुना गया है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, अमेरिका, ब्राजील, जर्मनी और सिंगापुर। आप सभी को बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, तो जर्मनी इसका सही आंसर हो जाएगा। इन्हें जर्मनी का राजदूत चुना गया है, भारत में का नया राजदूत जर्मनी में चुना गया है। आप सभी को इसे याद कर लेना है, तो कहाँ पर चुना गया है, तो जर्मनी में भारत का नया राजदूत चुना गया है। इनका नाम क्या है, हरीश पार्थवर्थ नैनी इनका नाम है, आप सभी को याद कर लेना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछा गया है बताइए हाल ही में भारत आसियान इंजीनियरिंग साझेदारी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, SJ, अजीत डोभाल,
अनुप्रिया पटेल और राजनाथ सिंह। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, किसके द्वारा भारत आसियान इंजीनियरिंग साझेदारी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है, तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, तो अनुप्रिया पटेल इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आसियान से जुड़े हुए कुछ पॉइंट हैं आप सभी को यहाँ पर दिए गए हैं। आसियान का फुल फॉर्म क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशन इसका फुल फॉर्म है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक थाईलैंड में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये जुड़े हुए पॉइंट हैं आसियान से, इसे आप सभी को याद कर लेना है। इसका फुल फॉर्म क्या है, तो एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशन इसका फुल फॉर्म है। हेडक्वार्टर क्या है, कहाँ पर है, तो जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना हुई थी बैंकॉक थाईलैंड में। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया गया है, पूछा गया, बताइए हाल ही में न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर कौन बनी है, यहाँ पर कौन बनी है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला ऑप्शन है कैथी होचुल, दूसरा ऑप्शन है हेलिमा रिच, तीसरा ऑप्शन है एस्टीना वाज, चौथा ऑप्शन है एंजल गुरिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का, तो इसका सही आंसर आप सभी का हो जाएगा कैथी होचुल, जो कि आप सभी के सामने है। तो पहला ऑप्शन कैथी होचुल न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर बनी है, आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप सभी के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे में एक क्वेश्चन दिया गया है, पूछा गया, बताइए भारत का पहला इग्लू पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने है, कुफरी हिमाचल प्रदेश, गुलमर्ग जम्मू कश्मीर, मसूरी उत्तराखंड, और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आप सभी क्या है, इसे आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है, जिससे हमें पता चले कि आपका करंट अफेयर अभी तक कितना तैयार हुआ है। ये पहले का करंट अफेयर है जो आप सभी के सामने लाया गया है, इसे इसलिए लाया जाता है कि पिछले भी आप सभी के करंट अफेयर रिवाइज होते रहें। तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए, इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है और इसका आंसर आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तो आज के सेशन में इतना ही, आप सभी को ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तीन लिंक आप सभी को यहाँ पर दी गई हैं, तो आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है, साथ ही साथ आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और हमें टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो आप सभी को टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और ये PDF आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को पहले स्टेप में क्या करना है, तो डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर आप सभी को टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। अब टेलीग्राम चैनल के लिंक पर आप सभी को क्लिक करना है, आप हमारे ग्रुप से ज्वाइन हो जाएंगे, वहाँ पर आप सभी को ये PDF प्राप्त हो जाएगी। दूसरा, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ये YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लेना, साथ साथ अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना है। तो आज के सेशन में इतना ही, 27 अगस्त 2021 का ये करंट अफेयर का वीडियो था, 28 अगस्त 2021 के करंट अफेयर के वीडियो में आप सभी को दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।